बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक एपिस्टेसिस को डिस्कस करना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एपिस्टेसिस का कंसेप्ट समझा था और एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल एनिमल में देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम इसी एपिस्टेसिस की एग्जांपल प्लांट्स के अंदर देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर एपिस्टेसिस क्या है और मोस्ट स्पेसिफिकली स्वीट पी के अंदर हम इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर या पिगमेंट फिनोटाइप को डिस्कस करेंगे कि पिगमेंट फिनोटाइप में एपिस्टेसिस का क्या रोल है, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के इंटरेक्शन को कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्यों कहते हैं और इस टाइप के एपिस्टेसिस को डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस क्यों कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं दोबारा से एपिस्टेसिस का कांसेप्ट एक मिनट के लिए रिवाइज करता हूं ताकि आपको ये एग्जांपल समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं और आपको पता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, तो लेट्स सपोज के ये जीन ए है और ये कोई भी दूसरा क्रोमोसोम है और यहां पर एक दूसरा जीन मौजूद है जिसका नाम हमने रख दिया जीन बी। जरा और कीजिएगा, अगर इस जीन की वजह से अगर ये वाला जो जीन है यानी जो दूसरा जीन किसी दूसरे लोकस पर मौजूद है, ये वाला जीन जो है वो फुली एक्सप्रेस नहीं हो सका, इस इंटरेक्शन को हमने सिंपली नाम दिया था एपिस्टेसिस का। सर समझ नहीं आई, अभी आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि एपिस्टेसिस क्या है और प्लांट्स के अंदर एपिस्टेसिस का क्या रोल है। अगर आप पी प्लांट को देखें तो पी प्लांट में आपको दो तरह के फ्लावर मिलेंगे। बास प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके फ्लावर का जो कलर होगा वो पर्पल होगा, और बास स्वीट पी के जो प्लांट्स होंगे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ जो फ्लावर होंगे उनका कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। सो फ्लावर कलर एग्जिस्ट इन टू फिनोटाइप, पर्पल एंड व्हाइट। पर्पल जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि व्हाइट फ्लावर का जो कलर है ये आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। अभी मुझे पता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर हमें ये बताएं कि इसके साथ जो फ्लावर लगे हैं वो पर्पल क्यों हैं, और बास प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ फ्लावर लगे हैं लेकिन वो व्हाइट हैं तो क्यों हैं। अब इस क्यों का जो आंसर है वो जरा गौर से सुनिएगा। इस प्लांट के साथ जो फ्लावर हैं उनका कलर पर्पल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर पर्पल कलर का पिगमेंट बनता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, तभी इसका जो कलर होगा फ्लावर का वो पर्पल होगा। जबकि इन प्लांट्स के अंदर ये जो पर्पल कलर वाला पिगमेंट है वो नहीं बनता, तभी इसका जो कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। अब यही वाला पॉइंट मैंने लिख लिया है, एंथोसाइनिन पर्पल कलर इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट एंथोसाइनिन। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में दोबारा से ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर उसके अंदर एंथोसाइनिन बना और इस प्लांट के अंदर एंथोसाइनिन नहीं बना, तो ये क्यों नहीं बना। अब जरा गौर कीजिएगा, इसी को हम थोड़ा सा जीन से समझने की कोशिश करेंगे। अब जो पर्पल कलर का जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन, इसको बनाने के लिए दो जीन्स का रोल है। एक को हमने जो डिफरेंट लोकस पे एक जीन एक लोकस लोकस वन पर मौजूद है और दूसरा जीन जो है वो दूसरे लोकस यानी लोकस टू पर मौजूद है। यही वाला पॉइंट लिखिए, इट्स प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन और टू डिफरेंट जीन्स जो है वो डिफरेंट लोकस पर मौजूद है। एक जीन का नाम हमने रख दिया जीन ए, और आपको पता है कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। लेट्स सपोज कि ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, और ये कोई भी दूसरा जीन जिसका नाम जीन बी हमने रखा और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स कैपिटल बी भी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है। ए लोकस वन पर मौजूद है, बी लोकस टू पर मौजूद है। कैपिटल ए का मतलब है ये डोमिनेंट है, और इसका यहां पर डोमिनेंट होने का ये मतलब है कि कैपिटल ए कोई प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर है, और स्मॉल ए का मतलब है प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इनहिबिटरी है। इसी तरह कैपिटल बी का मतलब है प्रोडक्ट बनेगा और स्मॉल बी का मतलब है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने कुछ कंडीशंस यहां पे लिख ली हैं, लेकिन उस कंडीशंस को समझने से पहले एक लाइन आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है पूरा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं।
इस जीन का कम से कम एक एलील डोमिनेंट होना लाजमी है और इस जीन का भी कम से कम एक एलील डोमिनेंट होना लाजमी है, यानी दोनों जीन्स में कम से कम एक एक एलील डोमिनेंट होगा तभी जो कलर है वो पर्पल होगा और तभी एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है पर्पल कलर का वो बनेगा। जो मैंने यहां पे ये सिचुएशन लिख ली, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन हो कैपिटल ए और दूसरा हो स्मॉल ए और एक एलील हो कैपिटल बी और दूसरा हो स्मॉल बी, यानी ये कंडीशन हो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस केस में जरा गौर कीजिएगा कि एक कैपिटल ए मौजूद है तो बिल्कुल सर ए मौजूद है, क्या दोनों एलील्स में से बी के दोनों एलील्स में से क्या एक कैपिटल बी मौजूद है तो एक कैपिटल बी लाजमी हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी कम से कम हो तो इस केस में कलर जो होगा वो पर्पल होगा। अगर कंडीशन ये हो कि इधर स्मॉल ए हो इधर भी स्मॉल ए हो बेशक इधर कैपिटल हो, फिर उस केस में एंथोसाइनिन नहीं बनेगा और पिगमेंट जो है पर्पल कलर का नहीं बनेगा और व्हाइट कलर जो होगा वो फ्लावर का वो व्हाइट होगा, जो मैंने यहां पे सारी कंडीशंस लिख ली। अगर कंडीशन हो जाए कैपिटल ए इधर भी हो जाए कैपिटल बी यानी ये केस, तो कलर जो होगा वो पर्पल होगा क्योंकि डोमिनेंट दोनों जीन्स के डोमिनेंट मौजूद है। इस केस में जरा और कीजिएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी फिर भी कलर होगा पर्पल क्योंकि एक ए कैपिटल मौजूद है और कम से कम एक कैपिटल बी मौजूद है। अब जो तीसरी कंडीशन है इस पर जरा आपने और करना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अगर कंडीशन ये हो जाए यहां पे स्मॉल ए हो यहां पे स्मॉल ए हो और बेशक इधर कैपिटल बी हो इस केस में फ्लावर का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। क्यों व्हाइट होगा? क्योंकि कम से कम मैंने कहा था कि एक कैपिटल ए होना लाजमी है और कम से कम एक कैपिटल बी होना लाजमी है। इसी तरह कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के केस में पर्पल होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के केस में फिर व्हाइट होगा। क्यों व्हाइट होगा? क्योंकि एक कम से कम कैपिटल बी होना लाजमी था और स्मॉल बी के केस में जो कलर होगा वो फ्लावर का व्हाइट होगा। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि कम से कम एक एलील डोमिनेट होना लाजमी है दोनों जीन का, सॉरी इस जीन का भी एक एलील डोमिनेट होना लाजमी है और इस जीन का भी एक डोमिनेट होना लाजमी है तभी कलर होगा पर्पल। सर ऐसा क्यों होगा? अब इस ऐसा क्यों होने का जो आंसर है जरा और से सुनिएगा। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको यह बताया था कि अगर कैपिटल ए है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा और कैपिटल बी है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा, अगर स्मॉल ए है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिख लिया है कलरलेस प्रीकर्सर वन, यानी कोई भी सब्सटेंसेस है जिसको हमने कलरलेस प्रीकर्सर का नाम दिया। प्रीकर्सर कहते हैं बनाने वाले को। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मार्कर से कन्वर्ट होकर अगर ये वाली मार्कर बनती है तो मैं कहूंगा कि इस मार्कर के लिए ये वाली मार्कर जो है वो प्रीकर्सर है यानी बनाने वाली है। यहां पे हमारे पास एक सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है कलरलेस प्रीकर्सर वन। अब इसके लिए ये प्रोडक्ट लाजमी है कि ये वाला जो है नेक्स्ट किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो इंटरमीडिएट में और इसको हमने नाम दे दिया कलरलेस प्रीकर्सर टू। अगर एक डोमिनेट होगा तो तभी यानी एलील ए एक कम से कम डोमिनेट होगा तो कलरलेस प्रीकर्सर टू में ये कन्वर्ट हो सकेगा और इसमें से कम से कम एक डोमिनेट है तो उसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट जब एलील बी वाला बनेगा तो ये आगे पिगमेंट बनाएगा जो पर्पल कलर का होगा जिसका नाम होगा एंथोसाइनिन, तभी कलर जो होगा वो आपके पास पर्पल होगा। क्लियर है? अगर इमेजिन करें कि यहां पे भी स्मॉल बी होता तो क्या ये प्रोडक्ट बनता? नहीं बनता। तो जब ये प्रोडक्ट नहीं बनता तो ये पर्पल कलर में कन्वर्ट ना होता तो कलर आपके पास होता व्हाइट, तभी हम कहते हैं कि एक एक एलील दोनों जीन का डोमिनेट होना लाजमी है। सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जीन जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं कंप्लीमेंट करते हैं तभी ये प्रोडक्ट बनता है और तभी पर्पल कलर का होता है। तो एग्जैक्टली यही बात है, तभी तो हम इस इंटरेक्शन को कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जो पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख लिया मैं यहां पे रीड भी कर देता हूं।
डोमिनेंट एलील ए एंड बी कंप्लीमेंट ईच अदर टू प्रोड्यूस पर्पल कलर. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन ऑफ बोथ जीन्स. अच्छा, यहां पे कुछ मैंने आपको इंटरेस्टिंग सी चीजें बतानी हैं. जरा सा आपने इन एग्जांपल्स पे गौर करना है कि जब स्मॉल ए और कैपिटल बी मैंने यहां पे लिख ली, इस केस में जरा गौर करें तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल ए एपिस्टेटिक के तौर पर काम कर रहा है जबकि कैपिटल बी हाइपोस्टेटिक के तौर पर काम कर रहा है. क्या मतलब एपिस्टेटिक का मतलब है कि इसके अफेक्ट को रोक रहा है और इसका अफेक्ट रोक रहा है. लेकिन जरा इस केस में जरा गौर करें, कैपिटल ए और स्मॉल बी इस केस में गौर करें तो ए जो है ये हाइपोस्टेटिक अब बन चुका है और ये एपिस्टेटिक बन चुका है. यानी एक केस में एक एपिस्टेटिक है, दूसरे केस में दूसरा एपिस्टेटिक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कह सकते हैं कि यानी रिसेसिव फॉर्म में दूसरे को रोकता है, यानी रिसेसिव फॉर्म में इसको रोकता है और दोनों का इफेक्ट डबल है, तभी तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस. क्लियर हो चुका. अब मैंने इसको फर्दर इलेबोरेट करने के लिए यहां पर एग्जाम्पल लेके क्रॉस भी कर दिया है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्लांट है जिसके अंदर जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल बी. तो मुझे ये बताइएगा कि इसके साथ जो फ्लावर होंगे उनका कलर कैसा होगा. तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर व्हाइट कलर होगा. और अगर दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवाएं जिसके अंदर स्मॉल ए और कैपिटल बी हो, तो इस केस में भी इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा. जब इसके अंदर गैमेट बनेंगे तो जाहिर सी बात है गैमेट के अंदर कैपिटल ए और यहां से स्मॉल बी आएगा, और जब इसके अंदर गैमेट बनेंगे तो स्मॉल ए और कैपिटल बी आएगा. जब इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होगी और नए जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनका कलर कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो इन सब का जो कलर होगा वो पर्पल होगा. तो याद रखिएगा कि F1 जनरेशन में जो कलर होगा वो सब के होगा वो पर्पल होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट इधर मौजूद है और एक डोमिनेंट इस जीन का ये मौजूद है. अब F1 जो फर्स्ट जनरेशन है उसका आपस में जब हमने क्रॉस करवाया तो जब F2 जनरेशन आई तो उसमें जरा गौर कीजिएगा आपके पास क्या रेशियो आएगी. जब इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी वाला गैमेट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी वाला गैमेट बन सकता है, इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी वाला गैमेट्स बन सकता है और स्मॉल ए स्मॉल बी वाला गैमेट्स बन सकता है. इसी तरह इस प्लांट के अंदर भी यही वाले गैमेट्स इसी तरह के बनेंगे. जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाएं यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी. अब मुझे ये बताना है कि इसका कलर क्या होगा, क्या पर्पल होगा या व्हाइट होगा. तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर पर्पल होगा. जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा, क्योंकि कैपिटल बी भी मौजूद है और कैपिटल ए भी मौजूद है. इसी तरह हम कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवाएं और कैपिटल बी अगर ये वाला क्रॉस करवाएं इन गैमेट्स का, तो आपके पास फिर पर्पल होगा. और ये वाला गैमेट अगर इस गैमेट को फ्यूज करता है तो इस कंडीशन में जरा गौर कीजिएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इस केस में होगा पर्पल कलर. इसी तरह आप पुनर्ट स्क्वायर बनाएंगे क्रॉस करते जाएंगे. लास्ट वाला मैं कर देता हूं ताकि टाइम बच जाए. इसको मैं इसके साथ क्रॉस करवा देता हूं तो इस और कीजिएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो इस केस में जो होगा वो कलर होगा व्हाइट. अब जरा व्हाइट वालों में और कीजिएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, तो इस केस में कलर होगा व्हाइट, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो एक भी कैपिटल मौजूद नहीं. इसी तरह इसका कलर भी व्हाइट होगा क्योंकि एक बी कैपिटल नहीं. इसका कलर जो है वो आपके पास व्हाइट इस वजह से होगा क्योंकि एक बी एलील ए वाला कैपिटल है. इसी तरह ना ए कैपिटल है ना बी कैपिटल है. इसी तरह बी जो है एक बी कैपिटल नहीं है. इसी तरह ए एक बी कैपिटल नहीं है. तो इस केस में अगर आप टोटल गिनें तो
तो पर्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास पर्पल आते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो आपके पास व्हाइट आएंगे। तो इनकी जो रेशो आएगी 9:7 जो कि हमें इंडिकेट करती है कि ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस है। होप के आपको इसका कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।